क्या आपका भी सॉन्ग्स का चैनल है और आप इस तरह की वीडियो बनाना चाहते हैं कि जो सॉन्ग्स चलता रहे और आपके बीच में फोटो लगी रहे, आपकी फोटो से आपके सॉन्ग्स को एडिट करना है। YouTube पर बहुत सारी वीडियो है, मैंने बहुत सारा ज्यादा ट्राई किया बट कोई वीडियो अच्छे से वर्क नहीं कर रही। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ कि आप एक से डेढ़ मिनट के अंदर ऐसी वीडियोस बना सकते हैं जिसमें आप अपनी फोटो बैकग्राउंड में लगा सकते हैं, सर्कल के अंदर लगा सकते हैं, कई प्रकार के सर्कल आप लगा सकते हैं, जैसा कि बड़ा बड़ा म्यूजिक चैनल्स इसको यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। ऐप की जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा। ऐप ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो इसको आपको सिंपली जो अलाउ लिखा है इस पर आपको दो बार क्लिक करना है। तो दो बार क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो नीचे आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ऊपर तीन डॉट दिख रहे हैं उस पर क्लिक करना है। तो तीन डॉट पर क्लिक करते ही आपके सामने लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। लाइब्रेरी ओपन करते ही आपके सामने एल्बम, आर्टिस्ट, रिसेंट, मतलब जिस टाइप का आपको सॉन्ग्स डालना है वो आप डाल लीजिए। तो चलिए मैं कोई भी सॉन्ग्स अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने ये सॉन्ग सिलेक्ट कर लिया, ये प्ले हो चुका है। मैंने इसकी आवाज़ म्यूट कर दी है ताकि कॉपीराइट ना आए। अब इसके बाद आपको ऊपर जो तीन डॉट हैं इस पर क्लिक करना है और विजुलाइजर्स जो थर्ड नंबर पर है उस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट इमेज लगी है, तो आपको अपनी इमेज लगाने के लिए ऊपर जो पेंसिल का आइकन है इस पर क्लिक करना है और थर्ड नंबर पर इमेज लिखा है आपको इस पर क्लिक करना है। फिर इधर सेकंड नंबर पर इमेज लिखा है इस पर क्लिक करना है। फिर आपको कस्टम इमेज पर करके और पिक इमेज करना है। तो मैंने सिक्योरिटी के लिए इसको ब्लर कर दिया है, तो आपकी इमेज ओपन हो जाएंगी। तो आपको जो इमेज डालना है वो इमेज सिलेक्ट कर लेना है आपकी गैलरी से। तो चलिए मैं फटाक से कोई भी इमेज डाल देता हूँ एक, जैसे कि चलो 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 ये वाली इमेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये वाली इमेज मैंने सिलेक्ट की और ये बैकग्राउंड में लग गई है। अब ये सर्कल के अंदर इमेज लगाना है, तो इसी के नीचे ब्लर इफेक्ट और उसके नीचे फिर से इमेज है, तो उस पर इमेज पर क्लिक करेंगे। फिर इसको कस्टम इमेज पर क्लिक करेंगे और वही प्रोसीजर पिक इमेज। तो ये मैंने फिर से सिक्योरिटी के लिए ब्लर कर दिया है। तो चलिए मैं फटाक से वही वाली इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ अभी आपके एग्जांपल के लिए। तो ये देखिए सर्कल के अंदर जो है वो इमेज लग गई है। अब इसके बाद सर्कल भी इसमें बहुत सारे हैं, तो चलिए मैं आपको एक बार बता देता हूँ कौन कौन से सर्कल हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो डॉट डॉट वाले निशान दिख रहे हैं नौ बिंदी सी हैं जो पेंसिल के बिल्कुल साइड में, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ। तो उस पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो ये बहुत सारे जो सर्कल्स हैं आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। जैसे ये देखिए ये सभी पर अलग अलग आप कर सकते हैं, जैसे जिस जो भी आपको पसंद हो वो आप लगा सकते हैं। सॉन्ग्स आपका प्ले रहेगा, बस मैंने आवाज़ उसकी म्यूट कर दिया। बहुत सारे सर्कल हैं, एक से बढ़िया एक सर्कल हैं जो आपको पसंद हो उसमें लगा दी। अब इस सर्कल में आप अपनी इमेज नहीं लगा सकते, जैसा कि मैं वही प्रोसीजर करता हूँ प्रोसेस वो पहले वाला, पर इसमें इमेज नहीं लगेगी। कुछ सर्कल्स ऐसे हैं जिनमें इमेज नहीं लगती। तो ये देखिए मैंने इमेज सेलेक्ट की बट इमेज नहीं आई, क्योंकि ये सर्कल में आप सिर्फ नाम लिख सकते हैं, जो भी आपका नाम है डीजे सॉन्ग से वो आप लिख सकते हैं। तो और अब इसको आपको जो भी सर्कल आपका है आप देख लीजिए, जैसे ये सर्कल है तो इसमें ये इमेज है, तो ये PNG इमेज है इस कारण से आपको ऐसी दिख रही है। फुल इमेज आप लगाओगे तो फुल सर्कल में आएगी। इसको डाउनलोड करने के लिए साइड में डाउनलोड ऑप्शन है और एक्सपोर्ट का जो नीचे ऑप्शन आ रहा है, बस आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पर नीचे क्लिक करना है और डाउनलोड हो जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।